अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना चीनी और गुड़ के। ये लड्डू हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम खजूर लिया है। ये कलमी खजूर है, आपके पास जो भी खजूर अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इसका बीज इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच घी डालना है। ये देसी घी है, कोशिश करें आप देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि देसी घी हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है, ये इस तरह का होता है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसको भी इसमें डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। मैं धीमी आंच पे फ्राई करना है जब तक कि ये फूल ना जाए। गोंद भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से हड्डियों के लिए जिनके जोड़ों में दर्द रहता है। विंटर में इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में 50 ग्राम किशमिश मैंने डाल दिया है, इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। जैसे ही ये फूल जाएंगी इसको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 50 ग्राम कटे हुए बादाम और 50 ग्राम कटे हुए काजू और 25 ग्राम पिस्ता, इसको भी मैंने छोटे छोटे काट लिया है, और 25 ग्राम अखरोट, इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सबको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हमें इसका ज़्यादा कलर नहीं बदलना है, बस हल्का सा क्रंची हो जाए तब तक हमें इसे भुनना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 25 ग्राम खरबूजे का बीज और 25 ग्राम कद्दू के बीज और 50 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया था जिसको मैंने कद्दूकस करके डाला है, और 2 चम्मच खसखस यानी कि पोस्ता दाना, इन सबको भी अच्छे से मिला देते हैं और 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। इसे भूनने से क्या होता है ना कि ये अच्छा सा क्रंची हो जाता है, जिससे कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने घी और डाला है और इसमें मैंने खजूर जो पीस के रखा था ना उसको डाल देते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं, जिससे कि खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए खजूर हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही हमें भूनना है। अब इसमें जो भी मैंने नट्स फ्राई करके रखे थे इसको डाल देते हैं। मैंने इस पॉइंट पर आँच को बंद कर दिया है और जो गोंद फ्राई करके रखा था ना उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस लिया है, इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। हम इसे हाथ से ही मिलाएंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा गर्म है कि अभी हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो बस हमें थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेना है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएगा अच्छे से, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। तो देखिए मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है और इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसका लड्डू बना लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें, हो सकता है इस रेसिपी की उनको ज़रूरत हो। तो सर्दियाँ अभी ज़ोरों पर है, आप इस लड्डू को बनाएं, बच्चों बुज़ुर्गों सबको खिलाएं, ये सेहतमंद लड्डू सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके बच्चे नट्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से उन्हें लड्डू बना के देंगे तो वो भी खुशी से खा लेंगे। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो या किसी को दर्द का प्रॉब्लम हो या न्यू मदर हो, उनके लिए ये लड्डू
बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे एक बार ज़्यादा बना लें और महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।